सारे वर्ल्ड में तो आप लोग ने मुझे 100 डेज सर्वाइव करते हुए देखा ही होगा, पर क्या मैं माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट बायो में 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? पता नहीं। तो हे हेलो व्हाट्स अप गाइस, हॉर्नेट्रॉन हियर। ये फिर आ गया। हाँ तो आपको क्या लगा मैं मर गया? अरे इतना जल्दी कैसे? वो एक्चुअली लास्ट मंथ क्या हुआ करके मैं आप लोगों को बताता हूँ ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो वो एक्चुअली कैसे बता, वो क्या है कि वो ना घर पे You... नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। तो गाइस हम लोग माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट बायोम जो कि मशरूम बायोम में सर्वाइव करने वाले हैं, वो भी 100 डेज। और ये मेरे पीछे देख रहे हो, नंबर वन बुलशिट गाइस। अरे नहीं यार, ये इस बायोम का सबसे बड़ा फूड फैक्ट्री है। अगर मेरे पास बाउल होता तो यार शायद से मैं सूप पी लेता, बट बाउल नहीं है तो कुछ नहीं भाई, मैं तो बस खाना कलेक्ट कर रहा था। चलो अभी खाना कलेक्ट करना शुरू कर ही दिया तो और प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे स्टार्टिंग में मैं बस खाने के लिए इनको मार रहा था, बट यार धीरे धीरे इनको मारते मारते मुझे मारने में भी बहुत मजा आ रहा था यार। और मुझे रास्ते में जिधर भी ये लोग दिख रहे थे मैं सबको बिंदास मारते जा रहा था, क्योंकि यार इनको जब मैं हाथ से मारा तो भी ये लोग वापस नहीं मार रहे थे। तो गाइस शॉर्ट में बोला तो ये लोग मेरा पंचिंग बैग है। तो रास्ते में जितना भी पंचिंग बैग मिले हैं मैंने सबको मार मार के मेरा हाथ को पूरा लाल कर दिया। वैसे गाइस माइनक्राफ्ट का कोई भी वर्ल्ड हो, हमें सबसे पहले माइनक्राफ्ट में लड़की मिल लकड़ी बोलने वाला था मैं, मत बता भाई प्लीज। तो गाइस इस वर्ल्ड में लकड़ी सिर्फ हमें माइनशाफ्ट में मिलने वाला है। अच्छा। और गाइस रास्ते में मुझे जिधर भी पंचिंग बैग दिखा मैं मारते गया भाई, बस वो सीन को इग्नोर कर देना। और फाइनली मुझे इस वर्ल्ड में शुगर कैन मिला, तो फिर मैंने थोड़ा मोटा शुगर कैन कलेक्ट किया और वापस से पंचिंग बैग को मारना शुरू कर दिया। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अरे भाई है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। यार इनको इतना मारने से एक चीज मुझे मालूम पड़ गया और वो ये है कि इस वर्ल्ड में मुझे कभी भी खाने का कमी नहीं होने वाला है। और गाइस इस वर्ल्ड का सबसे स्पेशल चीज ये है कि यहाँ रात हो या सुबह कभी भी कोई भी मॉब कभी स्पॉन नहीं होता है। अच्छा है, अच्छा है। और गाइस इनको मैं हाथ से मार मार के मैंने पूरा एक स्टैक खाना कलेक्ट कर लिया। फिर गाइस मुझे थोड़ी दूर में एक रुइन पोर्टल दिखा, फिर मैं भी पानी में स्विमिंग करते करते वो रुइन पोर्टल तक पहुंच गया। और गाइस यहाँ का चेस्ट में से मुझे कर्स ऑफ वैनिशिंग का एक गोल्डन पिकैक्स और एक सिल्क टच का गोल्डन शवल के साथ साथ थोड़ा आयरन नगेट्स भी मिला। और ये सब लेके मैं बस आगे निकल ही रहा था यार, मुझे बहुत जगह पर लावा पुल दिख रहा था, बट यार यहाँ पे लावा पुल को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास बकेट भी नहीं है भाई। अबे साले। अरे हाँ ब्रो, वैसे देखा तो मेरे पास तो डायमंड पिकैक्स भी नहीं है ऑब्सीडियन को माइन करने के लिए। और फिर अगला दिन सुबह मुझे एक केव मिला और इस केव में मुझे कोल और कोबलस्टोन मिला। और तब तक मुझे रास्ते में वापस से पंचिंग बैग मिले। फिर क्या, हाँ चलो भाई आगे जाते हैं। यार दो दिन से सुबह रात माइनशाफ्ट ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक एक भी नजर नहीं आया। वैसे यार दिन हो या रात वर्ल्ड देखने में काफी मस्त दिख रहा था। और गाइस यहाँ पर मुझे एक रविन मिला और मैंने सोचा कि अगर हम लोग इस रविन को एक्सप्लोर करेंगे तो यार शायद से हमें एक माइनशाफ्ट मिल सकता है। अच्छा। और यहाँ पर हमें कॉपर आयरन सब कुछ मिल रहा था, तो फटाफट मैंने आयरन को अपना गोल्डन पिकैक्स से माइन करने गया था। और गाइस तब मुझे सच्ची में नहीं पता था कि गोल्डन पिकैक्स से माइन करने से अपने को आयरन नहीं मिलता है। What? मत बोल भाई प्लीज, नहीं। और बस इस केव को ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे यहाँ पे डायमंड भी मिल गया। यार भाई ये गेम सच्ची में हर बार ऐसे ही करता है यार, जब अपने पास कुछ नहीं होता ना तब अपने मुंह पे डायमंड फेंक के मारता है, और जब अपने हग दिया और जब अपने पास सब कुछ होता है तो यार जितना भी माइन कर लो एक डायमंड नहीं मिलता भाई। तो मैंने इन दोनों डायमंड को मेरे हाथ से ही मार दिया, क्योंकि यार इन दोनों डायमंड को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मुझे। क्या सोच है रे तेरी? अरे वो तो बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद मैं इस केव से बाहर आया और वापस से माइनशाफ्ट ढूंढने लग गया। और गाइस सच्ची में ये वर्ल्ड सुबह देखने को भी काफी ब्यूटीफुल दिख रहा था ब्रो। तो गाइस बहुत देर केव के अंदर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक माइनशाफ्ट मिल ही गया। और गाइस सच्ची बताओ तो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा खजाना मेरे लिए यही है, क्योंकि यहाँ से जितना भी वुड मिलेगा उसी से ही मैं सारा सामान बना सकता हूँ। तो चलो वुड कलेक्ट करते हैं।
तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा टॉर्चेस बनाया और फिर मैं पूरा माइनशाफ्ट को रेल पटरी के साथ लूटने लगा। तो गाइस मेरे से जितना होगा उतना वुड मैंने यहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर दिया और इस वर्ल्ड का सबसे पहला आयन मैंने यहाँ से कलेक्ट किया और जो मेरे हाथ में है आयन पिकैक्स वो मैंने रूइन पोर्टल से मिला हुआ आयन इंगेट से बनाया। वैसे मैं यहाँ पे जितनी देर माइनशाफ्ट एक्सप्लोर कर रहा था उतनी देर तक मैं लकड़ियाँ भी कलेक्ट कर ही रहा था और मुझे इस माइनशाफ्ट में आयन और गोल्ड भी कभी उधर इधर मिल ही रहा था। मैं बस एक जगह पर आयन और कोल माइन कर ही रहा था तब तक मेरा पहला बॉस बैटल शुरू हो गया। शुरू होते ही खत्म हो गया है? अरे हाँ ब्रो शुरू होते ही खत्म हो गया लेकिन भाई साहब ने मेरे पे जहर चिपका दिया ना। ओए ज्यादा हंस मत मैं अभी तक मरा नहीं हूँ चल हट। फिर मैंने मेरे लिए एक पत्थर का तलवार बनाया और उससे मैंने बहुत सारा स्ट्रिंग कलेक्ट किया जिससे वुल बना के मैंने फाइनली मेरे लिए एक मस्त वाला बेड बना दिया और उसके बाद मैं वापस वुड कलेक्ट कर रहा था तब तक मुझे लैपस वसूली मिल गए। नमस्ते जी। तो उनको भी उठा के जेब में डाल दिया। फिर उसके बाद मैं और भी बहुत देर तक सिर्फ लकड़ियां ही कलेक्ट कर रहा था और फिर मुझे एक चेस्ट मिला जिसमें था ब्रेड गोल्ड और टिक टाक सामान। फिर फर्नेस बना के सारा आयन को स्मेल्टिंग में डाल दिया बट यार तब तक मेरा मॉम ने बुलाया तो मैं एक छोटा सा जगह पर एएफके हो गया। फिर मैंने स्मेल्ट किया हुआ टूल से पूरा बॉडी आर्मर और आयरन टूल्स बना दिया और हाँ एक वाटर बकेट भी बनाया और शील्ड भी। अरे थैंक यू जी। और ये पानी पकड़ के ऊपर गया और ऊपर जाते ही उस पानी को मेरा बाल्टी में ले लिया। फिर धीरे धीरे उस केव से भी फाइनली बाहर आ गया और बाहर आते ही खाने को पकाने में डाल दिया। तो फिर खाना पकने तक बोर हो रहा था तो मैं इन पतंग के साथ खेलने लग गया ब्रो। तो गाइस अभी अपने पास वुड भी है और काफी अच्छा रिसोर्सेस भी है बस अभी हमें एक अच्छा जगह ढूंढना होगा जहाँ पे हम लोग अपना बेस बना सकते हैं। वैसे मुझे इस वर्ल्ड में मेरा बेस किसी नॉर्मल एरिया पे नहीं बनाने का है, मुझे मेरा बेस एक्चुअली एक माउंटेन के ऊपर मस्त लुक के साथ बनाने का इच्छा है ब्रो। और गाइस थोड़ी देर में अपना बेस बनाने का परफेक्ट माउंटेन भी मिल गया। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चेस्ट बना के सारे सामान को चेस्ट में डाल देते हैं। लो भाई वापस से ये पतंग लोग आ गए, एक मिनट रुको इनको साफ करके आया। तो गाइस अभी हम लोग डायमंड माइनिंग के लिए लेवल -54 से -56 तक माइनिंग करना शुरू करते हैं। चलो भाई। वैसे गाइस अभी हम लोग लेवल -54 में हैं। यार वैसे माउंटेन के ऊपर से सीधा लेवल -54 तक आने के लिए बहुत ज्यादा ही टाइम लगेगा तो हम लोग एक काम करते हैं माइनशाफ्ट से लूटा हुआ पटरी को यहाँ पे फटाफट से लगा देते हैं। चलो अभी माइनिंग करना शुरू करते हैं। और गाइस मैं बीच बीच में आयरन पिकैक्स बनाता रहूंगा तो अगर आप लोगों को मेरा आयरन पिकैक्स का हेल्थ ऊपर नीचे दिखा तो यार ये मत कहना हैकर हैकर। तो गाइस लगभग 40 मिनट्स माइन करने के बाद अभी मेरे पास 8 डायमंड हैं और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ। यार मैं तो बस पागलों की तरह केव में लेफ्ट राइट घूम रहा था डायमंड के लिए लेकिन यार अचानक से मुझे एक जॉम्बी का आवाज आया। क्या आप लोग कभी जॉम्बी का आवाज सुनाई दे रहे हैं? अरे बूट्स क्या तुझे जॉम्बी का आवाज सुनाई दिया? एक छप्पड़ मार दूं? अरे नहीं नहीं बताता हूँ भाई। वैसे गाइस मैं क्या बोल रहा था, अरे हाँ याद आया वो क्या है कि क्या आप लोग को जॉम्बी का आवाज सुनाई दे रहे हैं? अरे वो एक्चुअली जब मैं ऊपर माइन करते गया ना तो एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर एक ज़ॉम्बी स्पॉनर था ब्रो। और यहाँ का चेस्ट में मुझे टिक टाक सामान के साथ एक फायर एस्पेक्ट का एन्चेंटिंग बुक भी मिला और उसी एरिया पे मुझे एक डायमंड मिला तो मैंने वो भी माइन कर लिया। तो मैंने फटाफट से इस वर्ल्ड का मेरा सबसे पहला डायमंड पिकैक्स भी बना दिया। और गाइस पता है अपना ज़ॉम्बी स्पॉनर के एकदम बगल में ही मुझे और एक माइनशाफ्ट मिल गया। तो गाइस वैसे ऊपर से नीचे आने के लिए मैंने रेल पटरी लगा दिया लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए मुझे पावर रेल तो लगाना पड़ेगा ना। तो मेरे पास जितना भी गोल्ड था उससे मैंने पावर रेल बनाया और लगाना शुरू कर दिया। वैसे ज्यादा नहीं लगा पाया बस 6-7 ही लगाया। अरे मेरे पास बहुत कम गोल्ड था भाई और वैसे तो मैं इस वर्ल्ड में सच्ची में शुद्ध गरीब है तो पावर रेल लगाने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। तो फिर मैं वापस से डायमंड माइनिंग करने लग गया और गाइस इस बार मुझे एक ही जगह पर 5 डायमंड मिला ब्रो। अरे थैंक यू जी। उसके बाद मैं थोड़ी और देर के लिए डायमंड माइनिंग कर रहा था लेकिन यार मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला ब्रो। इतना बोर होने लगा मुझे माइनिंग करने का ही मन नहीं कर रहा था। फिर क्या मैं पटरी के पास अपना स्टेयर्स के लिए जगह बनाने लगा।
गाइस आप लोग को याद है जहाँ पर मुझे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला उसके बस बगल में ही मुझे एक माइनशाफ्ट भी मिला था। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वहाँ जाके उसको एक्सप्लोर कर देते हैं। वहाँ जाके एक्सप्लोर किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन यार यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे लकड़ियाँ कलेक्ट किया। अरे ब्रो इस वर्ल्ड में लकड़ियाँ की कमी है, समझाओ इसे। और गाइस इस माइनशाफ्ट का सामने ही मुझे एक मकड़ियों का स्पॉनर भी मिल गया। तो गाइस स्पॉइलर अलर्ट, मैं इस वीडियो में मकड़ी का स्पॉनर से कुछ नहीं करने वाला हूँ। अरे तू जा रही। अरे गाइस नाराज मत हो जाओ, उसके बदले में हम लोग कुछ अच्छा बिल्ड करेंगे ना। वैसे गाइस ये माइनशाफ्ट काफी अच्छा था क्योंकि यार यहाँ पर मुझे बीच बीच में कहीं ना कहीं तो डायमंड मिल रहा था। जैसे यहाँ पे मुझे 2 डायमंड मिला और यहाँ का चेस्ट में से मुझे लैपिस वसूली, ग्लो बेरीज और साथ साथ एक बैन ऑफ ऑथरपोर्ट्स का एन्चेंटिंग बुक भी मिला। Not bad. और फिर मुझे यहाँ पर और एक डायमंड मिल गया, फिर यहाँ पर मुझे 2 डायमंड मिला, मुझे एक चेस्ट मिला जिसमें गोल्डन एप्पल भी था और यहाँ पर मुझे 2 डायमंड मिला। यार सच्ची में ये माइनशाफ्ट में आने से लड्डू फूट गया भाई। यहाँ पर मुझे और एक स्पाइडर स्पॉनर मिला, लेकिन यार उसके बगल में ही मुझे और एक डायमंड मिल गया। इतनी खुशी मुझे। और यहाँ का चेस्ट में से लैपिस वसूली और एक गोल्डन एप्पल मिला। वैसे तो अभी हम लोग ने ये पूरा माइनशाफ्ट को लूट लिया है, तो फटाफट ऊपर चलते हैं और इस वर्ल्ड का सबसे पहला फार्म बनाते हैं। तो गाइस अपना छोटा सा शुगर कैन फार्म बन के रेडी हो चुके हैं। आई नो ये काफी बेसिक सा डिजाइन है, बट यार फिर भी अगर आप लोगों को ये डिजाइन अच्छा लगा तो यार एक स्माइली इमोजी दे देना, मैं समझ जाऊंगा। एक सेकंड तुम लोगों को ये इंटीरियर दिखा देता हूँ। वैसे कुछ खास डिजाइन नहीं किया है, बस एकदम बेसिक सा डिजाइन है गाइस और कुछ नहीं। अच्छा। तो गाइस अब मेरे पास टोटल 22 डायमंड है, तो मैंने सबसे पहले मेरे लिए एक डायमंड पिकैक्स बनाया, एक डायमंड बनियान भी बनाया और उसके बाद डायमंड से मैंने एक बहुत ही मस्त चीज बनाया और वो है और उसके बाद बनाने के लिए मेरे पास डायमंड नहीं था तो मैंने गोल्ड से मेरे लिए जूता बना दिया। तो एक बात बताओ अब दिखने में हीरो लग रहा हूँ कि नहीं, बोलो भाई बोलो। अरे शर्माओ मत। वैसे मेरा पुराना आयरन आर्मर को एक आर्मर स्टैंड पे चिपका दिया, तो अब मैं नीचे माइनिंग सेशन में जाके नेदर पोर्टल के लिए ऑब्सीडियन कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो गाइस चलो एक यूनिक स्टाइल में नेदर पोर्टल बनाने का कोशिश करते हैं। Hey.
आप लोग ये नेदर पोर्टल का रेटिंग देने से पहले मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि मुझे लावा और वो क्रिम्सन फॉरेस्ट का लकड़िया मुझे नेदर से ही मिला था। मैं बिल्ड करने के टाइम पे नेदर में जाके सब कुछ कलेक्ट करके आ गया। अगर ये नहीं बताऊंगा तो आप लोग बोलने लग जाओगे भाई चीटिंग करता है तू। बट नहीं क्या भाई, एविडेंस तो दिखा दिया ना। ठीक है तो गाइस अब बताओ, अगर आप लोग को ये नेदर पोर्टल का डिजाइन अच्छा लगा तो यार चुपचाप कमेंट सेशन में एक हार्ट इमोजी दे देना। ठीक है। वैसे वहाँ पे एक बंदा दिख रहा है दो गधे के साथ, रुको जाके उसको सलाम टोक के आते हैं। वैसे यार इन लोगों को ऐसा अजीब जगह पर स्पॉन होने का क्या शौक है? नहीं बताऊंगा। अरे जाने दो भाई, पहले जाके देखते हैं कि ये अपने को क्या बेच रहे हैं। इसके पास जाने के लिए भी मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, देखो बता क्या है तेरे पास। इसके पास तो डार्क ओक सैपलिंग्स हैं, लेकिन यार मेरे पास तो एमराल्ड भी नहीं है इससे कुछ भी खरीदने के लिए। बोले तो मैं गरीब हूँ। मतलब मैं गरीब समझ के भी ये बंदा मेरा मजाक उड़ाने आया है? ये गधा लोग भी थूक थूक के उनके मालिक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाई रुक सबको मारता हूँ। वैसे सब लोग मर गए, बस मालिक बच गया। अब मेरी बारी, मैं हंसूंगा। खत्म। गरीब के साथ मजाक नहीं करने का। जी ठीक है। तो चलो गाइस अभी नेदर चलते हैं। इस वर्ल्ड में अपना नेदर पोर्टल क्रिम्सन फॉरेस्ट में स्पॉन हुआ। तो गाइस मैं ऐसे ही इस फॉरेस्ट में भटक रहा था, तब मुझे एक जगह पर बोन ब्लॉक्स नजर आया। तो मैं फटाफट ब्रिजिंग करते करते सोल सैंड वाली बायोम पे चला गया। अब क्या, चलो लूटते हैं। वैसे मैं नेदर में डर्ट प्लेस करते ही आगे जा रहा था, क्योंकि यार मैं बहुत जल्दी रास्ता भूल जाता हूँ। मैं नेदर में फोर्ट्रेस ढूंढ रहा था, बट मुझे मिल गया बैस्टियन। अगर ये 50 डेज का वीडियो होता तो शायद मैं इस बैस्टियन को छोड़ देता, बट गाइस ये तो 100 डेज वीडियो है। अरे कहना क्या चाहते हो? सह लेंगे थोड़ा सा। अरे ब्रो 100 डेज की वीडियो है, आराम से लूट वूट के जाएंगे। ठीक है। वैसे ब्रिजिंग करते करते आगे जा ही रहा था, लेकिन यार तब तक मुझे एक पुराना दुश्मन मिल गया। इसको देख के तो रोना आ गया भाई, 40 दिन हो गया इससे मिलके, बट मैंने उसको मार दिया क्योंकि वो मेरे को मार रहा था। तो फिर रास्ते में बोन मिल कलेक्ट करते करते फाइनली बैस्टियन तक पहुंच गया। अरे बस हो गया भाई, इतना भी मिस नहीं करता हूँ, चल हट। और वैसे बैस्टियन में आते ही मुझे एक चेस्ट दिखा, लेकिन दो ब्रूट मेरे पीछे पड़ गया भाई। बट यार थोड़ी देर में दो में से सिर्फ एक ही बंदा मेरे पीछे पड़ा था, जिसको मैं आराम से कत्ल कर दिया। तब तक वो दूसरा वाला मेरे पैर के नीचे पटक रहा था, उसको भी आराम से कचक कचक कर दिया। वैसे मैं डर के नहीं भाग रहा था, सब प्लान था ब्रो। चल चूटा। अच्छा ठीक है, तो इस बार वापस से आराम से वो चेस्ट लूटने गया था, लेकिन अभी भी वहाँ पे एक ब्रूट था भाई। नहीं भाई और भागना नहीं है, इस बार मैं मारने वाला हूँ, डरते है क्या? अरे भाई प्रो हूँ यार। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू जी। तो गाइस इस चेस्ट में मुझे स्माइट फाई का तलवार के साथ साथ मैग्मा और सोल स्पीड का एन्चेंटेड बुक भी मिला, और यहाँ का चेस्ट में गोल्डन कैरेट के साथ साथ बाकी लूट भी मिला। और बस वो साइड का सामान लूटने ही जा रहा था, तब तक यार एक बंदा मेरे पीछे पड़ गया। फिर मैं फटाफट 200 IQ लगा के ब्लॉक्स बिल्डअप किया और ऊपर से ही नीचे कचक कचक कर दिया। फिर यहाँ का चेस्ट में मुझे नॉकबैक 1 और शार्पनेस 1 के स्वॉर्ड के साथ बाकी सब लूट मिला, और दूसरा चेस्ट में तो मुझे एक एंशिएंट डिब्रिस मिल गया ब्रो। मजा आया। बाकी लूट वैसे ठीक है। और गाइस जब मैं नीचे देखा यार, यहाँ पर एक छोटा सा XP फार्म चालू है। यार सच्ची में सब लोग अटके हुए भाई, रुको जाके मजे ले लेते हैं। चलो भाई। वैसे आपको तो पता ही होगा कि अगर बैस्टियन में आके लैंटर्न नहीं लूटा तो वो हॉर्नेट्रॉन कैसे बन सकता है? बात तो सही है। वैसे बैस्टियन के आउटर एरिया पे मुझे एक गोल्ड ब्लॉक मिला, तो मैंने उसे भी लूट लिया। फिर यहाँ का और एक चेस्ट में से मुझे ये सब सामान मिला। बाकी यहाँ पर कुछ कास्ट लूट नहीं मिल रहा था, तो ये सब सामान को मैं घर पे रखने के लिए वापस घर चला गया, और फिर ग्लाइडेड ब्लैकस्टोन से नेदर पोर्टल को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। वैसे गाइस बहुत देर से हाथ में खुजली हो रही है और किसी को मारने का बहुत मन कर रहा है। जब मैंने इन्वेंटरी चेक किया तब मुझे मालूम पड़ा कि यार मेरे पास तो खाना भी बहुत कम है। इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ। तो चलो शुरू करते। फिर जितना भी खाना मिला सबको पकाने में डाल दिया। यार यूजुअली मुझे जल्दी नेदर फोर्ट्रेस मिल जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक कुछ नहीं मिला यार। नूब। अरे भाई नूब नहीं, नसीब खराब है बोलो। तो मैं एक ही डायरेक्शन में माइन करते करते फोर्ट्रेस ढूंढने निकल पड़ा। वैसे रास्ते में मैंने थोड़ा क्वार्ट्ज भी कलेक्ट किया, और गाइस मैं बस एक जगह पर कूद के पीक लेने वाला था, तब यार गलती से मेरा पिकैक्स लावा में गिर गया। यार सच्ची में पता नहीं ये गलती मेरे से कैसे हो गया। नूब। फिर क्या, मैं घर जाके मेरे लिए और एक डायमंड पिकैक्स बनाया, लेकिन यार इसके आगे डायमंड में बनाने के लिए मेरे पास डायमंड ही नहीं बचा है।
डाल। लेकिन गाइस मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी फोर्ट्रेस ढूंढना होगा। थोड़ी दूर आगे जाते ही मुझे और एक बैस्टियन दिखा, बट यार इस बार मुझे कोई बैस्टियन वेस्टियन लूटने की इच्छा नहीं है, मुझे चाहिए नेदर फोर्ट्रेस। और फिर आगे जाने के रास्ते में मुझे एक कंकाल मिला, यार बहुत ज्यादा ही एरो मार रहा था मेरे पे वो। बट गाइस मैं इसको नहीं मारने वाला था, मुझे इसको एक सबक सिखाना था। मैं ज़ॉम्बी फेड पिकलिंग्स के पास भाग के गया और बस उसका एक एरो इन पे लग गया ना, फिर बाकी काम ये लोग खुद ही कर लेंगे। अब तो ये कंकाल गया गया। फिर उसके बाद मैं बस आराम से आगे जा ही रहा था, लेकिन यार तब तक मुझे लावा के बीच में फोर्ट्रेस का एक पिलर दिख गया। चलो वापस से ब्रिजिंग करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे फोर्ट्रेस का पिलर को माइन करते करते फाइनली फोर्ट्रेस के अंदर चला गया। बस यहाँ बेले डांसर से ब्लेज रॉड कलेक्ट करना है, फिर यहाँ से सीधा कल्टी। अरे ये रहा अपना पहला डांसर, चल हट। और ये मिल गया मेरा एडवांसमेंट। गाइस वो एक्चुअली अभी वो ये सीन रिकॉर्ड करने के टाइम पे रात का 2 बज रहे हैं, तो मैंने गलती से एक छोटा मिस्टेक कर दिया। अरे वो रात रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए यार गलती से रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया, तो थोड़ा सा लूट वूट कर दिया, बस वो रिकॉर्ड नहीं हुआ यार। अरे रुको यार, तुम लोग को लूट दिखाता हूँ ना। बस यही लूट हुआ, इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बस वो 2 डायमंड है, बाकी सब टिक टाक सामान समझ लो। वैसे मुझे इस फोर्ट्रेस का बेले डांसर स्पॉनर भी मिल गया, तो फिर धीरे धीरे ब्लेज कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो गाइस फाइनली अब हमारे पास 12 ब्लेज रॉड हैं, और मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से आई थिंक इतना काफी है काम बनने के लिए। तो मैं चुपचाप सारे सामान लेके घर भाग गया। वैसे यार वापस से मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अरे बंद कर दूंगा तो मैं मर जाऊंगा भाई। चलो वापस से हंटिंग शुरू करते और अब इसको पका लेते हैं। फिर मैं फटाफट नीचे गया और थोड़ा लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए। गाइस मैं बस लकड़ियाँ ही कलेक्ट कर रहा था तब तक मुझे इस माइन शाफ्ट में और एक डायमंड मिल गया। शायद आज अपना नसीब काफी अच्छा है। तो फिर मैं लकड़ियों से बुकशेल्फ बनाया और मेरे पास एग्जैक्टली 2 डायमंड था, जिसको यूज करके मैं एन्चेंटिंग टेबल बना सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया। अरे थैंक यू जी। फिर मैंने फटाफट से एक एन्चेंटिंग बेस बना दिया और एक बो बनाया। यार सबसे पहले पिकैक्स को एन्चेंट करने से मुझे एफिशिएंसी 4 और फॉर्च्यून 3 का पिकैक्स मिल गया, और बो को एन्चेंट करने से फ्लेम और इन्फिनिटी मिल गया। जिंदगी तो ऐसी हो। यार आज तो सच्ची में लकी फील कर रहा हूँ। तो अगला दिन उस लक को टेस्ट करने के लिए मैं वापस से डायमंड माइनिंग करने चला गया। बट यार पिछले 40 मिनट से माइन कर रहा हूँ, मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला अभी तक। बट यार अच्छी बात यह है कि मेरे पास फॉर्च्यून पिकैक्स था, तो उससे मैंने बहुत सारे आयन कलेक्ट किया और उन सारे आयन को स्मेल्टिंग में डाल दिया। वैसे तो अभी मैं बस चेस्ट बना के सामान स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन तब तक आप लोग को मैं और एक चीज बता देता हूँ। यार मशरूम बायोम में रहकर अगर मैं मशरूम जैसा कुछ बनाया नहीं तो यार यहाँ पर रहने का क्या मतलब है। बट अगर मुझे वो रेड मशरूम चाहिए तो उसके लिए मुझे सिल्क टच तो लगेगा ना। यहाँ पर विलेजेस तो नहीं है जिनसे मैं इजीली सिल्क टच ले सकता हूँ। यहाँ एन्चेंटमेंट पूरा लक का खेल है ब्रो। अगर मैं सही में लकी हूँ तो यार इस आयरन पिकैक्स में मुझे सिल्क टच मिलना चाहिए। अरे अरे हंसो मत यार, ये भी अच्छा एन्चेंटमेंट है। एक काम करते हैं, हम लोग और एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस बार मुझे फॉर्च्यून मिल रहा है, बट यार जरा ऊपर का तो एन्चेंटमेंट देखो, इसीलिए बोलता हूँ। हाँ चलो बहुत हो गया, अभी हम लोग मशरूम ब्लॉक कलेक्ट करके अपने लिए एक मस्त वाला एन्चेंटिंग रूम बना लेते हैं। You.
बताओ तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा वर्ल्ड में भी फाइनली मैंने कुछ तो मशरूम स्ट्रक्चर में बिल्ड कर दिया। और ये रहा अपना क्यूट सा मशरूम एंचेंटिंग रूम। वैसे गाइस अगर आप लोगों को ये एंचेंटिंग रूम अच्छा लगा तो यार कमेंट सेशन में एक फायर इमोजी दे देना, मैं समझ जाऊंगा। यार यहाँ अगल बगल में खाली ऐसे उड़ने वाले मशरूम्स को ना पहले साफ कर देते हैं। वैसे आप लोग एक बात बताऊं, मेरे हाथ में वापस से खुजली हो रही है यार, और मेरे पास खाना भी कम है। किस लिए? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसे ही हुआ भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलो खाना पकाते हैं। तो खाना पकाने के लिए सबसे पहले हम लोग को फर्नेस में कोल रखना होगा, और उसके बाद खाने के ऊपर थोड़ा सा नमक शमक। अबे साले। अरे नहीं नहीं ऐसे ही खा लेंगे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं वापस से डायमंड माइनिंग करने आया, और गाइस इस बार मुझे डायमंड मिला भी, और साथ साथ मैं एनविल भी लाया था। तो जब भी मेरा आयरन पिकैक्स टूटने को जाता था मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। और मुझे जितना भी डायमंड मिला है मैंने सब कुछ सिल्टच से ही कलेक्ट किया। फिर 23 डायमंड को फॉर्चून 3 का पिकैक्स से तोड़ने से मुझे टोटल 49 डायमंड मिला ब्रो। तो गाइस इससे मैंने सारे टूल्स एंड आर्मर डायमंड में कन्वर्ट कर दिया। शाबाश। अरे थैंक यू जी। वैसे गाइस इन सारे टूल्स एंड आर्मर को एन्चेंट करने के लिए मुझे बहुत सारा एक्सपी लगेगा, तो मैंने सोचा कि एक्सपी के लिए हम लोग अपने लिए एक ज़ॉम्बी स्पॉनर एक्सपी फार्म बना लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो चलो फटाफट उसका सारा सामान कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लगेगा साइन बोर्ड, स्लैब्स, वॉल, वुड, कॉपर, वाटर और हां केल्स एंड सोल सैंड। बाप रे। अरे बस इतना ही है ब्रो, अब चलो काम शुरू करते हैं। तो गाइस अपना स्पॉनर बन के रेडी हो चुके हैं, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए चुपचाप AFK हो जाता हूँ। तो 20 मिनट्स का AFK के बाद मैं वापस से ज़ॉम्बी का पैर तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन यार तब तक बाहर का साइड से और भी ज़ॉम्बीज आना शुरू हो गया। मैंने तो एंट्रेंस में दरवाजा लगाने का भी कोशिश किया, बट यार ये लोग तो सचमुच में दया निकले। ये लोग का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगला AFK में मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगा दिया और मैं वापस से जाके AFK करने लगा। वैसे लेवल 30 होने तक मैं बस यही काम कर रहा था। फिर गाइस फटाफट ऊपर गया ये एक्साइटमेंट में कि कम से कम इस बार तो मेरा तलवार पे कुछ ना कुछ तो अच्छा एंचेंटमेंट लग ही जाएगा। लेकिन जब मैं मेरा स्वॉर्ड को एंचेंट करने गया, मैंने अपना डायमंड एक्स पे एफिशिएंसी 1 लगा दिया, और स्वॉर्ड पे मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये अनब्रेकिंग मिला भाई। तो उसके बाद ज़ॉम्बी स्पॉनर पे मिला हुआ मॉस ब्लॉक्स को मैंने मशरूम एंचेंटमेंट रूम के आसपास में लगा दिया डिजाइन के लिए। शाबाश बेटा। अरे थैंक यू जी। और फिर वापस से नीचे जाके AFK होने लगा। लेवल 30 होने पर मैंने मेरे लिए और एक डायमंड स्वॉर्ड बनाया, जिसको एंचेंट करने से मुझे मिला स्वीपिंग एज और बैन ऑफ अर्थ अप्रोच। तो गाइस सबसे पहले मैंने अपना अनब्रेकिंग 3 का स्वॉर्ड को अपना नया स्वॉर्ड के साथ चिपका दिया, जिस पे मैंने अपना स्पॉनर से मिला हुआ फायर एस्पेक्ट का एंचेंटेड बुक अपने स्वॉर्ड पे चिपका दिया, और उसको मैंने नाम दिया झेप्पा। एग्जैक्टली। वैसे गाइस मेरा फॉर्चून 3 का डायमंड पिकैक्स ऑलमोस्ट मरने को आ चुका है, तो मैंने अपने लिए और एक डायमंड पिकैक्स बनाया और उसे एंचेंट करने के लिए वापस से AFK हो गया, वो भी लेवल 30 होने तक। तो एक काम करते हैं, वैसे भी बहुत देर के लिए AFK होना पड़ेगा, तो तब तक मैं आराम कर लेता हूँ, टाटा। तो बहुत देर तक ज़ॉम्बीज का पैर तोड़ने के बाद मेरा लेवल फाइनली 30 हो चुका है। तो अपना नया पिकैक्स को एंचेंट करने से मुझे मिला फॉर्चून 3, अनब्रेकिंग 3 और एफिशिएंसी 4। बोले तो चीज बढ़िया है। तो मैंने मेरा पुराना डायमंड पिकैक्स को अपना नया पिकैक्स के साथ जोड़ के एफिशिएंसी 5 कर दिया, तो इसको मैंने नाम दिया रैपचिक चीज है। एग्जैक्टली, रैपचिक रख देते हैं। तो गाइस अब फाइनली वक्त आ चुका है इस वर्ल्ड में भी लंबू से नींबू निकालने का। अच्छा तो चलो W फॉरेस्ट ढूंढने चलते हैं। तो अब ये W फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा भाई? I don't know. फिर थोड़ी देर नेदर में भटकने के बाद मुझे फाइनली W फॉरेस्ट मिल ही गया ब्रो। तो मैं ब्रिजिंग करते करते फॉरेस्ट तक पहुँच गया। अब चलो लंबू को मारना शुरू करते हैं।
खत्म। तो गाइस फाइनली अभी मेरे पास 16 एंडर पर्ल्स हैं। गाइस अभी हम लोग इस वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं और वो है मेरे लिए घर बनाना। ठीक है, तो घर बनाने का सारा सामान कलेक्ट करते हैं और अपने लिए एक ब्यूटीफुल लुकिंग मशरूम मैंशन बनाते हैं। गाइस फाइनली अपना मशरूम मैंशन बनके रेडी हो चुका है। पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये अपना एंट्रेंस है। एंटर होते ही आप लोगों को एक बहुत बड़ा हॉल दिखेगा और वो स्टेयरकेस आप लोगों को ऊपर लेके जाता है टेरेस पे। और यहाँ पर एक छोटा सा डाइनिंग रूम है जो मैं कभी यूज नहीं करने वाला हूँ। और ये डोर ओपन करते ही आप लोगों को एक छोटा सा मशरूम दिखेगा। वो एक्चुअली मेरा बेडरूम है और वहाँ पर ही इस वर्ल्ड का राजा सोते हैं। अच्छा ठीक है। और यहाँ पर एक ओपन किचन है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज एरिया। वैसे मैंने ऑलरेडी सारे सामान यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और ये रहा मेरा छोटा सा सिंपल लुकिंग बेडरूम। ऊपर टिक टॉक डिजाइन दिया है और यहाँ पर ही राजा का खजाना भी होता है। और हम लोग ये स्टेयरकेस यूज करके सीधा टेरेस तक जा सकते हैं। वैसे टेरेस में मैंने कुछ खास डिजाइन नहीं किया है, बस ऐसे ही छोड़ दिया। वैसे ये स्टेयरकेस के बगल में जो एरिया है वो मुझे बहुत खाली खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डिजाइन कर दिया। तो गाइस वैसे अगर देखा जाए तो अभी भी मेरा आर्मर पे एन्चेंटमेंट नहीं हुआ है। तो मेरा पूरा बॉडी आर्मर पे एन्चेंटमेंट लगाने के लिए लगभग कम से कम मुझे 40 लेवल्स तो चाहिए होगा। तो मैं वही बोरिंग AFK होने चला गया और लगभग एक घंटे का AFK होने के बाद मैं फाइनली 40 XP रीच किया। और फिर मेरे कपड़ों को एन्चेंट करने में टिक टॉक एन्चेंटमेंट मिल भी गया और मेरे शवल को एन्चेंट करने से मुझे सिल्क टच भी मिल गया। बट यार तब तक मेरे हाथ में वापस से खुजली होने लगा और मेरे पास वापस से खाना भी कम हो गया। अरे हाँ भाई। तो गाइस आई थिंक मैं फाइनली प्रॉपरली रेडी हो चुका हूँ छिपकली को मारने के लिए। तो मैंने फटाफट एंडर पर्ल बनाया और स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने निकल गया। थोड़ी दूर में मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन भी मिल गया और माइन करते करते मैं सीधा लाइब्रेरी के पास भी आ गया। और वैसे लाइब्रेरी में जो भी एन्चेंटेड बुक था मैंने सब कुछ ले लिया और यहाँ पर मुझे मेंडिंग का बुक मिला। तो गाइस फाइनली एंड पर्ल को यूज करके पोर्टल को भी ओपन कर दिया। तो गाइस चलो जाके छिपकली को मार के आते हैं। फटाफट XP कलेक्ट करते हैं और ऑमलेट भी। कोई बात नहीं। तो फिर मैं लंबू से और थोड़ा नींबू कलेक्ट किया और आखिरकार NCT पर पहुंच गया। NCT में आते ही मैंने थोड़ा कोरस फ्रूट कलेक्ट किया और फिर चुपचाप N शिप ढूंढने निकल गया। गया
बस थोड़ी देर में मुझे एक एन टावर मिला, लेकिन यार उस टावर में कोई एन शिप नहीं था। बट फिर भी यार थोड़ा ऊपर ऊपर से लूट लेते हैं। यहाँ टावर में मैंने एन रॉड भी कलेक्ट किया, बट यार इस टावर में सच में कुछ भी नहीं था। और फिर इस बार मुझे और एक एन टावर मिला जिसमें एन शिप भी था। तो आइए देखते हैं मजा आएगा। तो यहाँ पर भी मुझे स्वागत करने विमल का डब्बे मिल गया मुझे। फिर इनको मार के ऊपर जाने पर मुझे ट्यूबलेट वाली रूम मिला, तो वहाँ से और एक टावर पर गया, तो यार वहाँ पर भी ट्यूबलेट वाली रूम ही था। तो ये रूम के ऊपर दो चेस्ट था, मैं इन डब्बों को मारते मारते वो दोनों चेस्ट को भी लूटा। क्या बात है, अरे थैंक यू जी। उसके बाद मैंने यहाँ से बहुत सारे ट्यूबलेट भी कलेक्ट किया, फिर और एक टावर से भी दो चेस्ट लूटा। ब्लॉक लगा लगा के एंड पर्ल फेंक के फाइनली एन शिप तक पहुँच गया। यहाँ का विमल डब्बे को मारने के बाद मैंने यहाँ का दोनों चेस्ट लूटा, और हाँ इलाइट्रा भी। अरे और ये चिपकली का कोपड़ी कैसे भूल सकता हूँ, उसे भी ले लिया। और गाइस मैं इस वर्ल्ड में इतना लकी था कि घर जाने के रास्ते में मुझे और एक एन शिप मिला। यार सच बताओ तो ऐसा फील हो रहा है जैसे दिल गार्डन हो रहा है। यार इस बार मुझे टावर लूटने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सीधा ऊपर एन शिप में जाने का प्लान कर रहा था। तो मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स कलेक्ट किया और सीधा ब्लॉक लगा के एन शिप तक पहुंच गया। यहां का डब्बे को मारने के बाद यहां का भी दोनों चेस्ट को लूटा और इलाइट्रा भी, वैसे यहां से भी इसका कोपड़ी उठा लिया। अब चलो घर पे चलते हैं। तो गाइस अभी भी 100 डेज के लिए 2 दिन बाकी हैं और यही सब लूट है जो मैंने एन सिटी से लूटा, और इसके बारे में डिटेल में मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। ओके तो गाइस लास्ट 2 डेज मैं मेरा वर्ल्ड को डेकोरेट करना चाहता हूँ, तो उसका सारे सामान कलेक्ट करते हैं और अपना वर्ल्ड को और थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो गाइस सबसे पहले मुझे आप लोगों को 2 चीज बताना है। तो गाइस पहले तो ये है कि इस वर्ल्ड में मेरा कोई भी टूल में या कोई भी आर्मर में मेंडिंग नहीं है। तो गाइस इसको ठीक करने के लिए स्ट्रॉन्गहोल्ड में मिला हुआ मेंडिंग का एंचेंटेड बुक को मैंने मेरा रैपचिक वाला पिकैक्स पे लगा दिया। क्या बात है सर, अरे थैंक यू जी। तो गाइस दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को मेरा घर और ये वर्ल्ड अच्छा लगा तो यार कमेंट सेक्शन में लविंग स्माइली इमोजी स्पैम कर देना, मैं समझ जाऊंगा। तो गाइस ये हुआ हमारा 100 डेज इन मशरूम बायोम ऑन माइनक्राफ्ट हार्ड। आई डोंट नो आप लोग ने एक चीज नोटिस किया कि नहीं, बट मैं इस वीडियो में एक भी बार आप लोग को सब्सक्राइब करने को या लाइक करने को बोला नहीं, बिकॉज यार मैंने ये वीडियो लेट अपलोड किया है तो मुझे शायद से बोलने का हक भी नहीं होना चाहिए। बट यार अगर आप लोग को फिर भी ये वीडियो अच्छा लगा तो यार आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो गाइस नंबर 550 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं अगला वीडियो पे। टिल देन योर फ्रेंडली यूट्यूबर हॉर्नेट्रॉन साइनिंग ऑफ।